रस शास्त्र में हम पढ़ रहे थे, हम 249 पेज पे देखिए, पहले लिखा है यहाँ पे मृत लोहो बोला कि धातु भस्म है, उसको तर्जनी अंगुष्ठ के मध्य में रखकर अगर आप मर्दन करो और भस्म है वो उंगलियों की रेखाओं में भी प्रविष्ट हो जाए, बाहर नहीं निकले, मतलब इतनी ज्यादा फाइन बोला, तो वो मृत लोहो कहते हैं उसको। फिर पंच मृतिका बोलते हैं, इष्टिका, गैरिक, लवण, भस्म, वल्मीक, मृतिका, इनको। मित्र पंचक को आपने हाईलाइट करना है, मित्र पंचक होते हैं घी, घी, गुंजा, टंकण, मधु और गुड़। इसके आगे लिख लेना G3S2, G3S2, G3 मतलब गुड़, गुंजा, घृत, शहद और टंकण। हमारे जो इससे पहले हमने द्रावक गण पढ़ा था उसमें G4S2 पढ़ा था, मतलब गुड़ था, गुंजा था, घृत था और गुगलू था उसमें, और शहद और सुहागा तो वैसे ही है, इसमें गुगलू नहीं है। मित्र पंचक जो द्रावक गण है उसमें से गुगलू अगर हम हटा दे तो मित्र पंचक बन जाता है, किसके अकॉर्डिंग, रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग। आप पेज के टॉप पर लिखना रस तरंगनी, रस तरंगनी, और एरो करके लिख दीजिए गुंजा, घी, गुगलू, लिखना गुंजा, घृत, गुगलू, मधु और टंकण, मधु और टंकण मतलब शहद और सुहागा जिसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं पांच चीजें मित्र पंचक। रस तरंगनी बोलते हैं, उन्होंने गुड़ को इंक्लूड नहीं किया, वो गुगलू को मानते हैं, लेकिन जो रस रतन समुच्चय है उन्होंने गुगलू को नहीं माना, गुड़ को इंक्लूड किया है, ये आपको याद रखना है। फिर है हमारा शुद्धावर्त क्या होता है, अग्नि जब श्वेत वर्ण की हो जाए इस पर सभी धातुएं प्राय पिंगल जाती हैं। फिर वारितर बोला यानी जल में डालने पर जो तैरती हैं, अपुनर्भव। फिर निरुत्त बोला अवाप और प्रतिवाप, निर्वाप, निर्वाप होता है जो उसका पर्याय है स्नपन। फिर आता है ढालन, मतलब किसी धातु को पिंगलाकर किसी द्रव में डालना। शुक्ल वर्ग में हमारी सुधा, कूर्म, पृष्ठ, शंख, शुक्तिका और वराटिका आती हैं। फिर देखिए दोला यंत्र, स्टार लगा लीजिए इसको, दो ये यंत्र कुछ बताएंगे, तो यंत्र जो होते हैं उनके क्या क्या कर्म है, देखिए दोला यंत्र स्वेदन का कर्म करता है। फिर डमरू यंत्र पे स्टार लगाना, रस बंधनार्थम, रस के बंधन के लिए। स्थाली यंत्र जो वो स्विन के लिए। फिर पालिका यंत्र में गंधक जारण है, स्वेदनी तो से तो स्वेदन करोगे। बालुका यंत्र को आप स्टार लगाना, बालुका यंत्र, गंधक जारण और कूपी पक्व जो हम रसायन बनाते हैं, कूपी पक्व रस की जो निर्माण करते हैं वो बालुका यंत्र में। फिर नेक्स्ट देखिए विद्याधर यंत्र लिखा है ना, पुट से आगे है विद्याधर, उसका हिंगुल से पारद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए विद्याधर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो पातना से आगे भूधर को हाईलाइट करना, भूधर यंत्र, गंधक के अंतर धूम जारणार्थ, गंधक के अंतर धूम जारणा अगर करनी हो तो भूधर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हाईलाइट करना पाताल यंत्र, और उसमें हाईलाइट करो भल्लातक तेल प्राप्ति हेतु, अगर भल्लातक तेल है उसको प्राप्त करना है तो किसका, पाताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्छप यंत्र से विड सहित पारद की जारणा के लिए। तुला यंत्र में देखिए गंधक जारणार्थ, दीपिका यंत्र पारद का अधः पातन, हाईलाइट करना दीपिका यंत्र वाला पारद के अधः पातन के लिए। फिर हमारा आता है कंदुक यंत्र, कंदुक यंत्र में आगे लिखना स्वेदनार्थम, कंदुक यंत्र है जो वो स्वेदन के लिए भी यूज होता है, तो स्वेदनार्थ यूज होता है कंदुक यंत्र। फिर आता है गर्भ यंत्र, तो पारद और गंधक की पिष्टी बनाकर मारण, और आगे लिखना सोमनाती ताम्र भस्म बनाने के लिए। गर्भ यंत्र का यूज सोमनाथी ताम्र भस्म बनाने के लिए भी होता है प्रयोग, सोमनाथी ताम्र भस्म। फिर आता है आकाश पातन यंत्र यानी अर्क निष्कासन के लिए, हंस पाक यंत्र, विड पाक, और आगे लिखना आप रौद्र यंत्र, लिखना रौद्र यंत्र, और इक्वल टू करके लिख लीजिए टंकण का शोधन। रौद्र यंत्र का आप यूज किसके लिए करते हो, टंकण का शोधन करने के लिए, टंकण शोधन। फिर आता है 250 नंबर पेज पे वल्लभी यंत्र, क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार वल्लभी यंत्र का प्रयोग उत्थापन संस्कार के लिए।
नेक्स्ट सोमानल यंत्र का अभ्रक जारणार्थ प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हमारे रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग, हाईलाइट कर लीजिए 32 यंत्र, रस रतन समुच्चय 32 यंत्र आपने हाईलाइट किया। रस तरंगनी 20 मानते हैं, आयुर्वेद प्रकाश है जो वो 41 और पारद संहिता में 45। रस रतन समुच्चय वाले जरूर याद हो आपको, 32 होते हैं। इसके आगे लिखना पुट 10, पुट की संख्या वो बोलते हैं 10, मूषा 17, कोष्ठी 4। यंत्र तो आपने पढ़ लिए, 32 बताए उन्होंने, पुट बताए हैं 10, मूषा बताई है 17 और कोष्ठी बताई है 4। कोष्ठी 4। अब इसके नीचे पुट हैं जो उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। पहले देखिए महापुट में क्या बोला, दो हस्त प्रमाण का होता है ये, 1500 वन्य उपल का यूज करते हैं लोहो और अभ्रक की भस्म निर्माणार्थ। फिर गजपुट का प्रमाण क्या बोला, एक राजहस्त होना चाहिए और इसमें 1000 उपले यूज होते हैं। आपको उपले याद रखने हैं, महापुट में 1500, गजपुट में 1000 होते हैं और एक राजहस्त प्रमाण का। वराहपुट है जो उसका प्रमाण होता है एक रत्नी और 1500 वन्य उपल का यूज किया जाता है। कुक्कुट पुट में याद रखना दो वितस्ता और 100 उपले यूज करते हैं कुक्कुट में। कपोत में करते हैं 8, इस सीरीज में देखिए पहले 1500 किए, फिर 1000 हो गए, फिर 1500, मतलब 500-500 कट के ना, तो महा गज और वराहपुट ये 3 याद हुए। कुक्कुट में 100 हैं, कपोत में 8 हैं। बाकी नेक्स्ट उससे आगे देखिए, यहाँ पे लिखा बालुका पुट या भांड पुट, हड़ताल और सोमल भस्म। लावक पुट देखना आप, लावक पुट जो लिखा है, चार कर्ष गोमय की अग्नि से पाक करते हैं। आप चार कर्ष पे एरो करके लिखना, एक षोडशिका, एक षोडशिका, एक षोडशिका वर्ड भी आपको लिख के आ सकता। तो एक षोडशिका गोमय जो होते हैं, गोबर जो होता है ना बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में बना हुआ, उस पे अगर अग्नि इतना आप इकट्ठा करके अग्नि जला दो तो वो लावक पुट। फिर पर्याय में हाईलाइट करना, वराह का पर्याय है क्रोड़ पुट, हाईलाइट किया आपने, वराह पुट का पर्याय है क्रोड़ पुट भी बोलते हैं इसको। फिर कपोत पुट को हम मृदु स्वल्प या लघु पुट बोलते हैं। भांड को कुंभ, तो कुंभ जो होता है घड़ा उसको तो भांड भी बोला जाता है। सामान्य पुट संख्या जो होती है 10 से 100 पुट देते हैं किसी भी भस्म को, लेकिन अगर आप अभ्रक के रसायन कर्मणार्थ आप यूज कर रहे हो, मतलब अभ्रक का रसायन बना रहे हो, तो आप 100 से 1000 पुट देते हो। अभ्रक का वाजीकरण कर्मणार्थ यूज कर रहे हो तो 10 से 500 पुट दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखना, 3 पॉइंट छोड़ने के बाद हाईलाइट करना, चंद्रपुट और सूर्य पुट का निर्देश हाईलाइट कीजिए। चंद्रपुट और सूर्य पुट का निर्देश हाईलाइट करना प्रवाल व मुक्ता के लिए। चंद्रपुट और सूर्य पुट का निर्देश दिया गया प्रवाल और मुक्ता के लिए। फिर यहाँ पे मूषाएं बताई गई, ब्रैकेट में संख्या लिखी है 17, हम आपको वैसे लिखवा चुके। तो महामूषा को बोला कर्पूर आकार लोहो द्रावणार्थ, अर जो अभ्रक है उसके सत्व को निकालने के लिए। वज्र मूषा को हाईलाइट करना सत्व पातनार्थम, वज्र मूषा का प्रयोग किया जाता है सत्व पातन के लिए। फिर आता है गोस्तनी मूषा सत्व द्रावणार्थम, गोस्तन मतलब गोस्तन से क्या दुग्ध निकलता है ना, लिक्विड होता है, तो सत्व होता है उसको लिक्विफाई करना, तो सत्व द्रावणार्थम गोस्तनी मूषा। हाईलाइट करना वृंताक मूषा को खरपर सत्व पातन के लिए। वृंताक मूषा जो होती है खरपर सत्व पातन के लिए, जो खरपर का सत्व निकलेगा वो निकलता है जिंक। वृंताक हम बोलते हैं बैंगन को, ब्रिंजल जो होता है वो जिंक रिच सोर्स है जिंक का, तो याद रखना वृंताक मूषा में खरपर सत्व पातन किया जाता है। फिर मल मूषा परपटी स्वेदनार्थम, वज्र द्रावणी मूषा की जो बनाते हैं वो कैसे बोलते हैं, भूनाग मृतिका, मत्कुण रक्त जो होता है, मत्कुण मतलब जो खटमल होते हैं उसके रक्त से निर्मित की जाती है, और ये तीव्र अग्नि से है इसको बोला। फिर बोलते हैं योग मूषा, इसके बाहर और भीतर विड का लेप लगाते हैं, गार में 2 याम तक अग्नि सहन। आप यहीं पे पेज के बॉटम पे लिखना अग्नि सहन शक्ति, अग्नि सहन शक्ति,
अग्नि सहन शक्ति, फिर लिखना वर, वर के नीचे लिखना गार, गार के नीचे लिखना वज्र, यानी वर मूषा की, गार की और वज्र मूषा की। वर गार वज्र, इनकी अग्नि सहन शक्ति कितनी होती है? वर के आगे लिख लीजिए 1 याम, गार के आगे 2 याम और फिर 4 याम, तो 1, 2, 4 वर गार वज्र, ये सीरीज याद रखना, वर गार वज्र और 1, 2, 4, इतनी अग्नि सहन कर सकती हैं, 1 याम, 2 याम और 4 याम। नेक्स्ट पेज पे देखिए, 251 नंबर पेज पे वर मूषा के लिए बोला एक अग्नि, 1 याम तक अग्नि सहन करती है। फिर बोलते हैं वर्ण मूषा जो है वो रक्त वर्ग स्वरस या काशीश या फिटकरी का लेप लगाते हैं व्रणोत्पत्ति हेतु, इसका यूज। विड मूषा, फिर मंडूक है, मूशल मूषा को हाईलाइट करना, मूशल मूषा इसका प्रयोग चक्रीबद्ध पारद निर्माणार्थ हाईलाइट किया, चक्रीबद्ध पारद को बनाने के लिए मूशल मूषा का। फिर हमारी कोष्ठियां बताई गई 4, तो अंगार कोष्ठी में देखो आप, राजा के हस्त प्रमाण ऊंची, अर्धयाम चौड़ी। फिर ये इसके यूज बताए गए हैं, आप यहीं पे श्लोक का एक वर्ड लिखना, खर द्रव्य सत्व पातनार्थम, खर द्रव्य सत्व पातनार्थम, जो अंगार कोष्ठी है उसका यूज किया जाता है, खर द्रव्य सत्व पातनार्थम, जो खर द्रव्य है उनका सत्व पातन करने के लिए अंगार कोष्ठी। फिर बोलते हैं पाताल कोष्ठी भूमि में एक वित्ता गहरी, और देखिए इसमें हाईलाइट करना मृदु द्रव्य सत्व पातनार्थम, खर द्रव्यों का करना हो सत्व पातन तो अंगार, मृदु का करना हो तो पाताल कोष्ठी। फिर है गार में देखिए, भूमि में 12 अंगुल गहरी, 9 अंगुल उठी हुई मिश्र लोह के संशोधनार्थ। आप लिखिए गार कोष्ठी के लिए जो लाइन बोली है ना श्लोक की, मृष्ट लोहो विनाशिनी, मृष्ट लोहो विनाशिनी। गार मूषा के लिए बोला, कोष्ठी के लिए सॉरी, गार कोष्ठी के लिए बोले मृष्ट लोहो विनाशिनी, जो मिश्रित लोहे हैं उनका नाश करती है, मतलब शोधन करती है उसको। फिर मूषा कोष्ठी को बोला मृदु द्रव्य के शोधन के लिए, मृदु द्रव्यों का शोधन करना हो तो मूषा कोष्ठी, अगर मृदु द्रव्यों का सत्व पातन करना हो तो पताल, मृष्ट लोहो का विनाशन गार और खर द्रव्यों के सत्व पातनार्थम अंगार कोष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम 251 पेज नंबर तक इतना ही पढ़ते हैं इसमें।